चारों ओर लोग बलात्कार, हत्या, बच्चों का अपहरण आदि जैसी त्रासदियों का सामना करते हैं। हर रोज इतनी दिक्कतें आती हैं। एक बेहद चौंकाने वाली कहानी है। दक्षिण अमेरिका के पेरू में राफेल विल्काटॉम एरॉन और इब्राहिम लुकानो युआरकाया नाम के शख्स थे। दोनों एक गैस एजेंसी में काम करते थे। वे कुछ समय के लिए सहयोगी रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में एक अजीबोगरीब घटना कैद हो गई। राफेल ने एक खाली गैस सिलेंडर उठाया, कुछ देर इधर उधर देखा और बाद में इब्राहिम के सर पर अधिकतम बल से प्रहार कर दिया। इब्राहिम के गिरने के बाद भी राफेल ने अपने सहयोगी के चेहरे पर कई बार वार किया। वह इब्राहिम को तब तक मारता रहा जब तक कि वह मर नहीं गया। अंततः उसे पुलिस ने पकड़ लिया। उसने भागने की कोशिश की लेकिन वह पकड़ा गया। घटना 6 सितंबर 2022 को हुई थी लेकिन अब वह गिरफ्तार हो गया है। बताया गया है कि अपराधी मानसिक रूप से बीमार था और हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। कारण जानने के लिए पूछताछ की जा रही है। हमें अपडेट का इंतजार करना होगा।